एससी एसटी समुदाय के परिवार के कल्याण के लिए समाज कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति निर्माण निगम के तत्वाधान में जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन परिवारों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मुरादाबाद के कांठरोड विकास भवन के समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के बड़े बाबू मेवाराम द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को सम्मान दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है और उन योजनाओं के अंतर्गत उन परिवारों को रोजगार के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम द्वारा सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन परिवारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि वे परिवार समाज की मुख्यधारा से जुड़कर खुद को आगे ले जाने का काम कर सकें और अपने भविष्य को संवार सकें। सिटी चैनल से बात करते हुए समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के बड़े बाबू मेवाराम द्वारा कहा गया। ऐसा है, मैं जिस विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ योजनाएं जो है, एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, उसमें 10,000 की छूट और इसके अलावा योजना लागत का 25% मार्जिन मिली, जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से लाभार्थी को मिलता है। शेष पैसा जो है बैंक का ऋण होता है, उसमें जो है बैंक अपना ब्याज लेती है 10-11%। पात्रता क्या है इस लाभ? हाँ, पात्रता तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए, अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो, जिसके शहरी क्षेत्र में 56,000 लगभग आमदनी और देहात क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 46,080 वार्षिक आमदनी, वही पात्र होगा। और शैक्षिक योग्यता अगर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है, उसमें जो है अंगूठा टेक भी लाभ ले सकता है। एक नई स्कीम इस साल लॉन्च हुई है हमारे यहाँ, पीएम अजय, भारत सरकार से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें पीएम अजय में प्रधानमंत्री अवोध्य अनुसूचित जाति योजना, इसमें जो है प्रोजेक्ट ODOP के अंतर्गत एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत हमसे जो 2 योजनाएं मांगी गई थी, हमने जो है जिले से यहाँ 3 योजनाएं यहाँ से बना के भेजी। इसमें एक CC टाइल्स इंटरलॉकिंग